भोपाल में आयोजित आनंदम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जिले के आनंदम सहयोगी। खबर शिवपुरी से आ रही है। राज्य आनंद संस्थान द्वारा आयोजित आनंदम सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम भोपाल में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में शिवपुरी जिले से विपिन कुमार यादव, आशीष वर्मा, साकेत कुमार पुरोहित, राजेंद्र कुमार माथुर आदि कई लोग सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तित करना है। ये आवासीय प्रशिक्षण वाल्मी परिसर भोपाल में संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के 46 शासकीय और अशासकीय प्रतिभागी सम्मिलित हुए। अल्प विराम आनंदम सहयोगी प्रशिक्षण लेने के बाद सभी प्रतिभागी अपने अपने विभागों में और शासकीय सदस्यों के साथ अल्प विराम की यात्रा शुरू करेंगे, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ पाए। सर, जो ये एक भोपाल में कार्यक्रम हुआ आनंद सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम, किस प्रकार का कार्यक्रम था और शिवपुरी से कितने लोग वहाँ गए हुए थे? जी, ये 30 जनवरी से और 1 फरवरी तक ये तीन दिवसीय आनंदम सहयोगी कार्यक्रम था, जिसमें हम शिवपुरी जिले से 6 लोग गए थे, पिछोर से 4, बैराड़ से 1, एक में स्वयं अक्षय कुमार जैन इंजीनियर PWD PIU शिवपुरी। तो जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहे वहाँ सर? तीन दिवसीय में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होते थे। सुबह हमको प्रकृति से जोड़ा जाता था और जो अनुभूति होती थी वो हमसे पूछा जाता था। इसके बाद कुछ प्रोग्राम गेम्स खिलाते थे। इसके बाद सत्र शुरू होता था 9:30 बजे से, जिसमें हमारे CO सर और जो उनके सलाहकार हैं सत्या सर, और इसके बाद हमारा जो सेशन शुरू होता था उसमें हमको गाइडलाइन बताते थे, आपको कैसे कार्य करना है, आपको कैसे अपने से कनेक्ट होना है, आप कैसे जुड़ सकते हैं। अल्पराम, इनका मुख्य उद्देश्य है अल्पराम। अल्पराम में स्वयं को स्वयं से कैसे जुड़ना है ये बताया जाता है। हमारी जो अंदर की कमियां हैं उसको ब्रेन वॉश करके पूरी तरह से प्योरिटी लाकर और खुद को एक सशक्त व्यक्तित्व बनाकर अपने को मजबूत करें, जिससे आप अपने समाज में, देश में और जो बुराइयां हैं आप सुधरेंगे तो आसपास वातावरण सुधरेगा। भोपाल में लगभग कितने शहर से वहाँ पे पूरे पहुँचे? पूरे मध्य प्रदेश से, सभी जगह से आए हैं। करीब 46 लोग थे। 46 कोई एज लिमिट वगैरह की? इस एज नो लिमिट, 70 से 20-22 साल का बच्चा भी आया था और 70 साल के एक उसमें बुजुर्ग थे जो मुस्लिम थे, तो उन्होंने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी माना, धन्यवाद दिया उन्होंने भी सब। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से बिल्कुल अल्पराम के द्वारा जो अपने अंदर कमियां हैं उसको हटाकर और उसमें समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करें। और शहर की जो जनता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ अल्पराम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो किस प्रकार से ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आज सोच भी रहा था। हमने IDBP में जो जवानों को जो डिप्रेशन में जा रहे थे उनको हमने अल्पराम कोर्स कराया, और अभी कल समापन है वो, उसमें करीब 15-20 जवान फिर तैयार हो रहे हैं। तो हम पूरे जिले में उन जवानों को लेकर जागृति फैलाएंगे कि ये हमने भी अब इनका लाभ लिया है तो सारे शिवपुरी जिला लाभ ले, इसे देश प्रदेश और पूरा विश्व कल्याण की भावना से हम काम करें।